हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर सीरीज़ में हम पेपर 3 कर रहे थे, जो कि जनरल स्टडीज़ है, और ये पेपर सभी के लिए सेम रहने वाला है। इस एग्ज़ाम की डेट भी निर्धारित की गई है 7 जनवरी 2024 को। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ करा रहे हैं, और हमने प्रीवियस जो लेक्चर्स रहे हैं उसमें लोकेशन ऑफ राजस्थान से रिलेटेड, राजस्थान के अक्षांश देशांतर से रिलेटेड, राजस्थान के साइज से रिलेटेड एंड फिजिकल फीचर से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए हैं। तो आज के वीडियो में कुछ स्पेशल रहने वाला है, और आज का वीडियो कम से कम एक घंटे से प्लस का जाने वाला है, क्योंकि आज हम 10 क्वेश्चन नहीं 50 क्वेश्चन यहाँ पर कराएंगे, और वो 50 क्वेश्चन कौन से टॉपिक से रहेंगे, वो रहेंगे यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि यहाँ पर हम जो राजस्थान की इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, राजस्थान में जो लेक्स वगैरह हैं या पॉन्ड्स वगैरह हैं और डैम वगैरह हैं, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन कराएंगे। तो मोस्टली क्वेश्चन यहाँ पर रिवर से रिलेटेड ही रहेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उनमें हम डिस्कस करेंगे लेक्स, पॉन्ड्स, डैम्स, ETC जो भी यहाँ पर चीज़ें हैं। तो जैसा कि वर्ल्ड कप भी ख़त्म हो गया है, तो वर्ल्ड कप से एक चीज़ सीखने को मिली है कि आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे, लेकिन जब आप लास्ट में ढील छोड़ दोगे तो यहाँ पर फिर क्या है, आपको दिक्कत होने लगती है। भारत के साथ भी क्या हुआ, टोटल 9 मैच जीते लीग में एंड सेमीफाइनल भी जीता, देन फाइनल में आके उन्होंने ढील छोड़ी और उसका रिजल्ट क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया जीत गया। तो सेम ऐसे ही आप तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी आपने कंटिन्यू की है एक साल तक, अब ये टाइम आपका पीक टाइम है। ये क्या है, पीक टाइम है, यहाँ पर आपको रिवीजन की ज़रूरत है और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या आए हैं उनको देखना है, तो इस पीक टाइम को आपको यूटिलाइज करना है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हमने 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान से रिलेटेड, राजस्थान के अपवाह तंत्र से संबंधित यहाँ पर 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो हम यहाँ पर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जो लूनी नदी है, लूनी नदी का उद्गम स्थल है कि लूनी नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है, इससे संबंधित क्वेश्चन है। चार ऑप्शन है, कुंभलगढ़ में खमनौर की पहाड़ियों से, जो कि राजसंबंध बोला गया है, अजमेर में नाग पहाड़ियों से या नागा पहाड़ियाँ भी बोल देते हैं, जयपुर में बैराट की पहाड़ियों से या फिर खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से। तो बात करें लूनी नदी की कि लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, यहाँ पर आपको 1x1 सारी चीज़ें विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझा देते हैं। लूनी नदी की बात की जाए तो लूनी नदी कहाँ पर, यहाँ पर अजमेर है, यहाँ पर ये क्या है, नाग पहाड़ियाँ हैं, नागा पहाड़ियाँ जो कि अरावली की एक रेंज है। तो ये नदी यहाँ से निकलती है और अजमेर से निकलती हुई फिर ये पाली में जाती है, पाली इसके बाद ये बालोतरा, यहाँ पर ये जालौर में बहती है, जालौर के बाद ये फिर जोधपुर में और कहाँ पर चली जाती है, ये फिर ये चली जाती है रन ऑफ कच्छ में, रन कच्छ का रन बोलते हैं इसको, कहाँ पर है, गुजरात में। तो इसका ये क्या है, कैचमेंट एरिया है, कैचमेंट एरिया भी याद रखना कहाँ कहाँ पर है यहाँ लिख देते हैं। लूनी नदी इसका ओरिजिन पॉइंट कहाँ पर है, अजमेर, अगर जिले की बात की जाए तो अजमेर में है, और पहाड़ियों की बात की जाए तो कौन सी पहाड़ियाँ हैं, नाग पहाड़ियाँ, नाग या नागा पहाड़ियाँ बोलते हैं, जो कि किसकी रेंज है, ये है अरावली पहाड़ियों की रेंज है। अगर इसका एग्जिट पॉइंट देखा जाए कि कहाँ पर जाकर ये ख़त्म होती है इसका, या आप इसको माउथ भी बोल सकते हो कि इस नदी का माउथ कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर है, रन ऑफ कच्छ में, जो कच्छ का रन है वहाँ पर है, ये कहाँ, गुजरात में है, तो ये याद रखना है कच्छ का रन। तो ये पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हो। टोटल लेंथ इसकी, अगर लेंथ की बात की जाए तो इसकी लंबाई टोटल है 495 किलोमीटर, लेकिन राजस्थान में ये कहाँ पर है, 6 जिलों में इसका कैचमेंट एरिया है, वो कैचमेंट एरिया कहाँ पर है, अगर पुराने जिलों की बात की जाए तो कैचमेंट एरिया, क्योंकि अब नए जिले बने हैं तो किस
जिले में फ्लो करती है, ये अपडेट अभी नहीं हुई है। तो ये फ्लो करती है अजमेर में, देन अजमेर के बाद पाली में, पाली के बाद नागौर में भी इसका कैचमेंट एरिया है, देन बाड़मेर में, बाड़मेर एंड जालौर एंड जोधपुर, ये इसका क्या है कैचमेंट एरिया है। कौन सी नदी का? लूनी नदी का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, तो ये नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अजमेर में नाग पहाड़ी या नागा पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल है। तो ये भी आपको क्लियर हुआ होगा, अजमेर से निकलकर ये पाली जालौर यहाँ फ्लो करती हुई है, जोधपुर यहाँ पर भी फ्लो करती है, तो ये सब इसका क्या है कैचमेंट एरिया है। क्लियर। ये कुछ नदियां हैं और ये उद्गम स्थल है, ये इनका अंतिम स्थान है। तो ये हम आज के वीडियो के एंड में इन चीज़ों को डिटेल में बताएंगे या डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर लूनी नदी की कौन सी सहायक नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित है? तो यहाँ पर पोल्यूटेड से रिलेटेड है कि कौन सी रिवर जो लूनी नदी की सहायक ट्रिब्यूटरी से रिलेटेड सवाल है कि कौन सी रिवर है जो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है। ऑप्शन है लीलड़ी या बांडी या जवाई या फिर सागी। तो बात करें लूनी नदी की, लूनी नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है? सपोज कीजिए ये लूनी नदी है, सिर्फ आपको समझाने के पर्पज से डायग्राम बनाया है। तो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो सुकाड़ी है, सुकाड़ी, देन बांडी है, बांडी, देन खारी है, खारी, देन जोजड़ी है, जोजड़ी, देन जवाई है, जवाई, देन सागी है। ये नाम याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। मिथाड़ी है, लीलड़ी है, लीलड़ी एंड गुया है। तो ये क्या है? ये ट्रिब्यूटरीज है किसकी? ये है लूनी नदी की सहायक नदियाँ। कौन कौन सी? जोजड़ी, एक बार इनको देख लेते हैं, जोजड़ी, सुकड़ी, बांडी, खारी, जवाई, सागी, मिठाड़ी, लीलड़ी और गुया। तो ये इसकी क्या है सहायक नदियां हैं। अब इनमें जो जोजड़ी है वो इसकी क्या है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये ध्यान रखना है, और ये बाकी सब क्या है इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि जोजड़ी नदी क्या है इसके सीधे दाएं तरफ से मिलती है, तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है, और बाकी सब इसके लेफ्ट हैंड बाएं तरफ से मिलती हैं। अब लेकिन क्वेश्चन है पोल्यूटेड रिवर से, अब यहाँ पर ये लूनी नदी है सपोज कीजिए, अब ये जब फ्लो करती है लूनी नदी तो इसकी एक सहायक नदी है बांडी, ये नाम याद रखना है, बांडी रिवर, बांडी नदी, यहाँ लिख देते हैं साइड में। जब बांडी नदी पाली में जाती है, पाली में, अब पाली में क्या है इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज, डाइंग की इंडस्ट्री है और प्रिंटिंग की इंडस्ट्री है, तो जो इसका पानी है इंडस्ट्रीज का वो किस में मिल जाता है? बांडी रिवर में, और बांडी रिवर को क्या कर देता है? पोल्यूटेड कर देता है, प्रदूषित कर देता है। कौन सी जगह? पाली में इंडस्ट्रीज हैं। कौन कौन सी इंडस्ट्री है? डाई की इंडस्ट्री है एंड यहाँ पर प्रिंटिंग की इंडस्ट्री है, जिनका पानी कहाँ जाता है? बांडी नदी में, और उससे क्या है ये प्रदूषित हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांडी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जो उसमें दाएं ओर से मिलती है? अभी हमने डिस्कस किया था यहाँ पर, ये दाएं तरफ से कौन मिल रही है? जोजड़ी, बाकी सब सुकाड़ी या सुकड़ी बोल सकते, बांडी, खारी, जवाई, ये सब किधर से? लेफ्ट हैंड से मिलती हैं। तो दाएं तरफ से कौन सी रिवर मिलती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोजड़ी रिवर, जोजड़ी रिवर, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर लूनी नदी में खारा पानी कहाँ से शुरू होता है? तो लूनी नदी के अदर नेम है, इसको क्या बोला जाता है? मीठी रिवर भी बोला जाता है, मीठी रिवर और खारी रिवर, मीठी नदी, खारी नदी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका पानी मीठा भी होता है और खारा भी होता है,
इसका एक नाम क्या है, सागर माथा नाम भी है इसका, सागर मती नाम भी है। एंड इसका नाम क्या है, लवणमती भी है, लवणमती। देन इसका नाम क्या है, जो कालिदास थे, कालिदास, उन्होंने इसको क्या है, अंत सलीला भी बोला है, अंत सलीला। तो ये नाम याद रखने हैं कि अंत सलीला किसने बोला, कालिदास ने, किस नदी को, लूनी नदी को। और नाम क्या है, लवणमती नाम है, सागरमती नाम है। एंड मीठी नदी खारी नदी भी है, क्योंकि इसका पानी पहले क्या है, मीठा होता है, फिर क्या हो जाता है, इसका पानी खारा हो जाता है। अब कहाँ से खारा होता है, वो होता है बालोतरा से। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, बालोतरा से जाकर इसका पानी क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। तो इस नदी को मीठी नदी और खारी नदी भी बोला जाता है। तो ये जगह है, जैसे ये अजमेर से रिवर फ्लो की, देन यहाँ पर क्या है, बालोतरा जगह है, बालोतरा से इसका पानी क्या है, खारा हो जाता है। तो यहाँ पर मीठा रहता है, वहां से फिर खारा हो जाता है, इसलिए इसको मीठी नदी और खारी नदी भी बोला जाता है। कौन सी नदी को, लूनी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का अंतिम जिला जिससे होकर लूनी नदी कच्छ के रण में गिरती है। तो थोड़ा डिटेल, मतलब ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। ऑप्शन है बाड़मेर, जालौर, सिरोही या सांचौर। तो अंतिम जिला पूछा है राजस्थान का जहां से लूनी नदी फिर कहाँ चली जाती है, गुजरात में कच्छ के रण में चली जाती है। अगर आप राजस्थान का मैप देखें तो ये क्या है, अजमेर है जहाँ से ये लूनी नदी निकलती है, अजमेर की नाग पहाड़ियों से, यहाँ से लूनी नदी का उद्गम स्थान है। फिर ये फ्लो करती है, हमने बताया था पाली में भी फ्लो करती है, और ये कहाँ पर फ्लो करती है, जालौर में भी फ्लो करती है, और ये सांचौर में भी फ्लो करती है। तो अगर पुराने मैप से देखा जाए तो जालौर आएगा, क्योंकि जालौर जिला था, लेकिन सांचौर क्या है, जालौर से ही अलग हुआ है। तो यहाँ पर अब जो ऑप्शन में आएगा वो क्या जाएगा, सांचौर। अगर सांचौर ऑप्शन में नहीं है तो जालौर लगाना है, और सांचौर आएगा तो सांचौर लगाना है। क्लियर। तो इसमें यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये क्वेश्चन है माही नदी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो माही नदी का उद्गम स्थल ये अजमेर में किसका उद्गम स्थल था, हमने अभी पढ़ा है लूनी नदी का। एंड बात करें माही नदी की, माही नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश में, जो धार जिला है वहां पर अमरेरू की पहाड़ियां हैं, अमरेरू की पहाड़ियां, वहां पर सरदारपुरा के पास विंध्याचल की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल है, या मेहंद झील इसको बोला जाता है, मेहद झील या मेहंद झील, मेहंद लेक से इसका क्या है, उद्गम स्थल है। कौन सी रिवर का, माही रिवर का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माही नदी का प्रवाह क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर माही नदी का जो कैचमेंट एरिया है उसको क्या बोलते हैं, कैचमेंट एरिया को। तो माही नदी कहाँ कहाँ फ्लो करती है, अब यहाँ पर समझा देते हैं, ये माही नदी है, माही नदी, तो ये निकलती है कहाँ से, अमरेरू की पहाड़ियाँ, मेहंद झील से, फिर इससे फ्लो करती हैं, एंट्री करती हैं ये कहाँ पर, राजस्थान में, एमपी के बाद ये मध्य प्रदेश है, यहाँ पर लिख लीजिए आप अमरेरू की पहाड़ियाँ, अमरेरू हिल्स की मेहंद झील है यहाँ पर, मेहंद, मेहंद झील, तो याद रखना है मेहंद झील से। अब एंट्री की इसने कहाँ पर, राजस्थान में, ये आप डायग्राम बना सकते हो, राजस्थान में एंट्री की। अब कौन कौन से एरिया में फ्लो करती है राजस्थान के, जो यहाँ पर कौन कौन से हैं, तीन जिले हैं, कौन कौन से, डूंगरपुर, डूंगरपुर, डैन बांसवाड़ा, बांसवाड़ा एंड प्रतापगढ़, इन तीन जिलों से ये क्या है, फ्लो करते, इसका कैचमेंट एरिया है। तो
तो अगर बात करें एंट्री की कि राजस्थान में कहाँ से एंट्री करती है, तो एक गांव है खांडू गांव, खांडू विलेज, खांडू गांव, ये आप लिख सकते हो खांडू गांव से, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो खांडू गांव कहाँ पर है, कौन से जिले में, बांसवाड़ा में, खांडू गांव बांसवाड़ा में, वहां से ये एंट्री करती है, फिर फ्लो करती है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ एंड डूंगरपुर, इसका क्या है कैचमेंट एरिया है, क्लियर। देन यहाँ पर इसकी सहायक नदियाँ भी हैं, आरव, अनास, यह भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर सोम और जाखम नदी मिलती हैं। सोम और जाखम नदी कहाँ पर, डूंगरपुर में, ये सॉरी जाखम इधर से, ठीक है, ये सोम एंड जाखम, ये तीन नदियाँ क्या है, एक त्रिवेणी संगम बनाती हैं, त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम कहाँ पर, बनेश्वर, बनेश्वर धाम, यहाँ पर ये त्रिवेणी संगम बनाती है, कहाँ है, डूंगरपुर में। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जो माही नदी है उसके साथ कौन कौन सी और नदी त्रिवेणी संगम बनाती है बनेश्वर धाम डूंगरपुर में, तो वो है सोम और जाखम, क्लियर। ये कुछ माही नदी का बारे में था कि मेहंद झील से इसका उद्गम स्थल है, फ्लो करती है ये एमपी से फिर राजस्थान में, राजस्थान के तीन जिलों डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में इसका कैचमेंट एरिया है, और फिर कहाँ गिर जाती है, गल्फ ऑफ खंबात में, खंबात की खाड़ी में, ये खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। टोटल लंबाई की बात करें, टोटल लंबाई 576 किलोमीटर है, और राजस्थान में इसकी लंबाई है 171 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हाँ क्वेश्चन माही नदी का प्रवाह क्षेत्र पूछा है। अब इसके कैचमेंट एरिया को क्या, छप्पन का मैदान बोलते हैं, छप्पन का मैदान इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर बांसवाड़ा जो एरिया है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जो अभी हमने बताए थे, बांसवाड़ा एंड प्रतापगढ़। अब इसके टोटल यहाँ पर 56 जो गांव हैं उनमें फ्लो करती है, यहाँ की जो भूमि है वो कैसी है, फर्टाइल लैंड है, मतलब उपजाऊ भूमि है, तो उपजाऊ भूमि है तो पैदावार भी अच्छी होती है, फसल भी अच्छी होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, 56 का मैदान, 56 गांवों से ये संबंधित है, क्लियर। उपजाऊ भूमि है, अच्छी फसल होती है, और किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को बोला जाता है, माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को 56 का मैदान बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन माही नदी की सहायक नदी नहीं है, हमने अभी बोला था कि सहायक नदियां अभी बताएंगे, तो सहायक नदियों की बात की जाए माही नदी की कौन कौन सी हैं, यहाँ पर आरव है, देन इसके बाद अनास है, चाप है, चाप, मोरेन है, मोरेन, सोम नदी है एंड जाखम नदी है। ये नदियां याद रखनी है कौन कौन सी, आरव, अनास, चाप, मोरेन, सोम एंड जाखम, तो ये क्या है, माही नदी की सहायक नदियां हैं। तो सोम है इसमें, जाखम है, चाप है, जोजड़ी, ये जोजड़ी किसकी सहायक नदी है, अभी हमने देखा था लूनी की सहायक नदी है, और कहाँ मिलती है, दाई तरफ, लूनी की दाई तरफ मिलती है, एकमात्र सहायक नदी लूनी की जो दाई ओर से उसमें मिलती है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माही नदी राजस्थान के किस जिले से होकर नहीं गुजरती है, यहाँ पर ऑप्शन है सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या फिर प्रतापगढ़, जैसा कि हमने अभी 58 क्वेश्चन में देखा था कि माही नदी कहाँ कहाँ से फ्लो करती है, बांसवाड़ा से, डूंगरपुर से एंड प्रतापगढ़ से, तो कहाँ से फ्लो नहीं करती है, वो सिरोही जिले से फ्लो नहीं करती है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये क्या है, राजस्थान का बांसवाड़ा जिला है, ये प्रतापगढ़ है और ये डूंगरपुर है, तो ये क्या है, माही नदी का क्या है, ये कैचमेंट एरिया है, इन तीन जिलों से माही नदी क्या है फ्लो करती है, तो करेक्ट आंसर इसका
सिरोही जिला हो जाएगा, जो कि माही नदी यहाँ पर फ्लो नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? मान लीजिए ये हमारे यहाँ पर समझा देते हैं, ये ग्लोब है, यहाँ पर क्या है, ग्लोब के बीचों बीच जो 2 पार्ट में डिवाइड करती है वो कौन सी अक्षांश करती है? वो करती है यहाँ पर, ये कौन सी रेखा है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको हम क्या है कर्क रेखा बोलते हैं, ये क्या है 0 डिग्री है, 0 डिग्री को क्या है विषुवत रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा, और ये क्या है 23.5 डिग्री साउथ पर क्या है, ये है मकर रेखा, 23.5 डिग्री साउथ पर। तो क्वेश्चन आया है यहाँ पर, 2 बार भारत की कौन सी रिवर है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ये कर्क रेखा है, इसको 2 बार काटती है, यहाँ समझाने के पर्पज से बताया है। तो कौन सी नदी काटती है? माही नदी 2 बार काटती है। और बात करें कि 0 डिग्री को कौन सी नदी काटती है, तो वो काटती है कांगो नदी, ये भी ध्यान रखना है, कांगो या फिर इसको जायरे नदी भी बोलते हैं। और मकर रेखा की बात आए तो मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? लिम पोपो नदी 2 बार काटती है। तो ये तीनों रिवर याद रखनी है। तो ये क्या है कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तर को अक्षांश को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं, और कर्क रेखा क्या है 2 बार काटती है किसको, यहाँ पर कर्क सॉरी माही नदी काटती है कर्क रेखा को। क्लियर, ये दो नदियां भी याद रखनी है, कांगो नदी और लिम्पोपो नदी। कुछ और फैक्ट देख लेते हैं माही नदी के बारे में, इसके अदर नेम देख लेते हैं, अदर नेम से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसको गंगा ऑफ ट्राइब्स भी बोला जाता है, गंगा ऑफ ट्राइब्स मतलब जनजातियों की गंगा इसको बोला जाता है, या फिर इसको कांथल गंगा भी बोला जाता है, कांथल गंगा, एंड इसको क्या है वागड़ की गंगा भी बोला जाता है। अब वागड़ की गंगा क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो ये 3 जिले हैं, कौन कौन से 3 जिले, ये हमने यहाँ पर देखे प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इसको क्या है वागड़ क्षेत्र बोला जाता है, वागड़ इसको बोला जाता है वागड़ क्षेत्र। क्लियर, तो इसलिए इसको वागड़ की गंगा, कांथल गंगा या गंगा ऑफ ट्राइब्स भी बोला जाता है, और इसको क्या है स्वर्ण रेखा भी बोला जाता है, स्वर्ण रेखा ऑफ सदन राजस्थान। तो ये नाम भी याद रखने हैं, जनजातियों की गंगा, कांथल गंगा, वागड़ की गंगा, एंड जो दक्षिणी राजस्थान है उसकी स्वर्ण रेखा बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या था, माही नदी इसका करेक्ट आंसर था। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी बनास से रिलेटेड, कि पश्चिमी बनास का उद्गम स्थल पूछा है, कि पश्चिमी बनास का उद्गम स्थल कहाँ है? तो हमने अजमेर की नागा पहाड़ियां, यहाँ पर लूनी नदी, बार बार इसलिए बता रहे हैं कि आपका रिवीजन इसी वीडियो को देखते देखते ही हो जाए। देन मध्य प्रदेश के धार जिले की अमरूरू पहाड़ियों से क्या है, यहाँ पर हमने माही नदी देखा, लूनी माही देख लिए। अब तीसरी नदी है पश्चिमी बनास, पश्चिमी बनास का उद्गम क्षेत्र ये कहाँ पर है, इसका उद्गम क्षेत्र है सिरोही जिले में, सिरोही जिले के कहाँ पर, सानवारा गांव के निकट अरावली की पहाड़ियों से। तो ये याद रखना है, कौन सा जिला, सिरोही जिला, जगह सानवारा गांव, और इसके निकट क्या है अरावली की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। तो कंफ्यूज मत होना बनास रिवर से, बनास रिवर हम अलग से पढ़ेंगे, ये क्या है पश्चिमी बनास है, पश्चिमी बनास का ओरिजिन क्षेत्र है सिरोही जिले के न्यू सानवारा गांव के निकट अरावली की पहाड़ियों से, ये सिरोही जिला है, यहाँ से इसका क्या है उद्गम स्थान है। तो यहाँ से निकलती है फिर कहाँ चली जाती है, गुजरात में, गुजरात में फिर ये फ्लो करती है। अगर इसकी बात की जाए यहाँ पर, ये इस वाले क्षेत्र में फ्लो करती है। तो इसकी अगर ट्रिब्यूटरी इसकी बात की जाए, तो इसकी ट्रिब्यूटरी है कुकड़ी एंड सुकली, ये दोनों नाम याद रखने हैं, कुकड़ी एंड सुकली, या सुकली को एक नाम और बोला जाता है, वो बोला जाता है
सीपू, सीपू भी इसको बोला जाता है। तो ये नाम याद रखने हैं इसकी, क्या है ये सहायक नदी है। सहायक नदी किस नदी की सहायक नदी है? पश्चिमी बनास की। ये क्या है? पश्चिमी बनास नदी है जो कि सिरोही जिले के कहां से फ्लो करती है? सानवारा गांव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी बनास की सहायक नदी नहीं है पूछा है। अब हमने अभी बताया कुकड़ीस की सहायक नदी है, सुकलीस की सहायक नदी है, इसका दूसरा नाम सीपू नदी भी है, तो इसकी सहायक नदी नहीं है क्या? सोम नहीं है, तो सोम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोम किसकी है? माही की। माही की सहायक नदी है। जैसा कि हमने बताया सोम, जाखम और माही तीनों नदी क्या बनाती हैं? त्रिवेणी संगम बनाती हैं। तो ये अभी हमने देखा था, तो त्रिवेणी संगम से संबंधित क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि त्रिवेणी संगम ये कहाँ पर बनाती हैं, तो वो जगह याद रखना है बनेश्वर धाम में बनाती हैं। बनेश्वर धाम जो कि हमने बताया कहाँ पर है, बनेश्वर धाम डूंगरपुर। तो ये ध्यान याद रखना है आपको, ये चीजें जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर पश्चिमी बनास नदी के किनारे स्थित नहीं है। अब अगर आप राजस्थान का मैप आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे। कोटा की बात करें तो कोटा में तो पश्चिमी बनास फ्लो ही नहीं करती, हमने बताया कहाँ, सिरोही जिले में, जैसा कि मैप में हमने दिखाया था आपको, यहाँ पर ये सिरोही से फ्लो करती है, तो कोटा तो काफी दूर है, कोटा तो यहाँ पर आएगा ही नहीं। देन इसके बाद हमने यहाँ देखते हैं आबू, आबू को होल्ड पे रख देते हैं। जयपुर की बात की जाए और उदयपुर की, तो जयपुर और उदयपुर भी कहाँ पर है? ये उदयपुर है और जयपुर है, यहाँ पर ये क्या है? जयपुर है। तो कोटा, जयपुर और उदयपुर में ये फ्लो मतलब इसके किनारे नहीं आते हैं। तो कौन सा शहर आता है इसके किनारे? आबू शहर आता है, जो आपने माउंट आबू पढ़ा होगा, तो ये आबू शहर है। किस नदी के किनारे है? ये पश्चिमी बनास नदी के किनारे स्थित है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन साबरमती नदी से संबंधित है, साबरमती का उद्गम स्थल कहाँ है? तो फिर से हम देख लेते हैं, हमने यहाँ पर जो देखा था ये किस नदी का उद्गम स्थल था? माही नदी का। और जो नाग क्षेत्र था अजमेर में वो किसका था? नाग पहाड़ियाँ, वो था लूनी नदी का, लूनी नदी का। फिर सिरोही जिले के न्यू सनवारा गांव के निकट अरावली की पहाड़ियों से हमने पश्चिमी बनास देखा, पश्चिमी बनास देखा। अब देखते हैं हम किसको, साबरमती को। तो साबरमती नदी कहाँ से निकलती है? वो निकलती है उदयपुर जिले में, उदयपुर जिले के कोटरा तहसील में पदराणा से। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो साबरमती को ध्यान रखना कहाँ से निकलती है, पदराणा की पहाड़ियों से उदयपुर में। क्लियर? तो उदयपुर कहाँ पर है? ये उदयपुर है और यहाँ पर क्या है, पदराणा की पहाड़ियाँ हैं। तो ये वाला एरिया जो है उदयपुर का, यहाँ से ये कौन सी नदी निकलती है? साबरमती नदी निकलती है, साबरमती। तो ये ज़्यादा तो फ्लो कहाँ करती है साबरमती नदी? गुजरात में फ्लो करती है। अगर इसकी टोटल लंबाई देखी जाए तो कितनी है, 416 किलोमीटर है, और सिर्फ राजस्थान में अप्रोक्स 45 किलोमीटर के आसपास ही ये फ्लो करती है। और कहाँ जाकर गिर जाती है? खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, खंबात की खाड़ी में। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाए कि अभी हमने जो नदियाँ पढ़ी हैं उनमें कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती थी? तो तीन नदी अभी हमने देखी थी, लूनी नदी, माही नदी और पश्चिमी बनास नदी। तो तीन नदी देखी हैं, आपसे पूछा जाए कि इनमें से और कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती थी। तो लूनी की बात करें ये तो कच्छ के रण में, तो माही नदी क्या है, ये खंबात की खाड़ी में गिरती थी।
और पश्चिमी बनास ये कहाँ पर है, ये लिटिल कच्छ में गिरती थी, गुजरात में। तो क्लियर है, साबरमती नदी कहाँ से निकलती है, ये उदयपुर में पदराणा की पहाड़ियों से निकलती है, गिर कहाँ जाती है, इसका जो एग्जिट पॉइंट है वो खंबात की खाड़ी है। टोटल फ्लो करती है 416 किलोमीटर, राजस्थान में 45 किलोमीटर, और बाकी सारी कहाँ पर फ्लो करती है, गुजरात में फ्लो करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में साबरमती की कुल लंबाई है, तो आ गया क्वेश्चन कि राजस्थान में साबरमती कितनी फ्लो करती है। अभी हमने देखा टोटल लेंथ कितनी है साबरमती की, 416 किलोमीटर है, और लेकिन यहाँ पर जो फ्लो करती है ये राजस्थान में, वो टोटल फ्लो करती है 45 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, राजस्थान में 45 किलोमीटर फ्लो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी साबरमती की सहायक नदी नहीं है, तो सहायक नदी से संबंधित है, बात करें साबरमती नदी की, इसकी जो सहायक नदी है वैतरक नदी है, सेई नदी है, यहाँ पर हाथमती है, एंड मेसवा है, मेसवा, देन मानसीवाकल है, मानसीवाकल, एंड माजम नदी है, माजम। ये क्या है, ये सहायक नदी है किसकी, साबरमती नदी की, वैतरक, सेई, हाथीमती, मेसवा, मानसीवाकल और माजम। तो वैतरक है, हाथमती है, मेसवा है, लेकिन जाखम इसकी सहायक नदी नहीं है, ये किसकी है, ये है माही नदी की। क्लियर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को वागड़ की गंगा कहा जाता है, देखिए आ गया क्वेश्चन, वागड़ की गंगा हमने पढ़ाया था कि बांसवाड़ा डूंगरपुर, बांसवाड़ा डूंगरपुर एंड डूंगरपुर एंड प्रतापगढ़, इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, प्रतापगढ़, इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, वागड़ क्षेत्र बोला जाता है, वागड़ क्षेत्र। तो यहां पर कौन सी नदी फ्लो करती थी, यहां पर फ्लो करती थी माही नदी, तो माही नदी को ही क्या बोला जाता है, वागड़ की गंगा बोला जाता है। हमने इसके अदर नेम भी देखे, गंगा ऑफ ट्राइब्स, कांथल गंगा, स्वर्णरेखा, रिवर ऑफ सदर्न राजस्थान, तो ये इसके अदर नेम थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान के अपवाह तंत्र में अरब सागर वाली नदियों की कुल परसेंट है। देखिए अब यहां पर आपको इस क्वेश्चन से पहले कुछ चीजें समझा देते हैं, जो राजस्थान का अपवाह तंत्र है उसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, राजस्थान के अपवाह क्षेत्र या अपवाह तंत्र बोल सकते, तंत्र ये सही रहेगा, राजस्थान के अपवाह तंत्र को हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, अरब सागर वाली ब्रांच में जो अरब सागर में जाकर गिरती हैं, देन यहाँ पर इनलैंड ड्रेनेज जो आंतरिक अपवाह तंत्र है, इनलैंड ड्रेनेज, एंड थर्ड है बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी, मतलब जो बंगाल की खाड़ी में नदी गिरती हैं वो वाला एरिया। तो अरब सागर की बात करें तो अरब सागर की टोटल परसेंट है 17%, और जो ड्रेनेज इनलैंड ड्रेनेज रिवर है वो 60% एरिया कवर करती हैं, और जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो 23% एरिया कवर करती हैं। तो इनको डिवाइड कौन करता है, अरावली की पहाड़ियाँ डिवाइड करती है, जो इसके पश्चिम तरफ फ्लो करती है वो अरब सागर में गिरती है, और जो इधर गिरती है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अरब सागर में अभी तक हमने चार नदियाँ पढ़ी थी, चार नदी कौन कौन सी, लूनी नदी पढ़ी है हमने, लूनी नदी देखा, माही नदी के बारे में देखा, पश्चिमी बनास के बारे में देखा, एंड इसके बाद हमने सागरमती नदी के बारे में देखा। तो हम यहाँ पर एक पैटर्न बना के चले हैं जिससे आपको चीज़ें इजीली क्लियर हो जाए और सिस्टमेटिक वे में आप पढ़ते
चले जाए। तो लूनी देख लिए हमने, माही देख लिए, पश्चिमी बनास देख लिए और साबरमती देख लिए। अब हम देखेंगे जो इनलैंड ड्रेनेज रिवर्स है उनके बारे में, और फिर लास्ट में हम यहाँ पर बंगाल की खाड़ियों से संबंधित जो नदियाँ हैं वो देखेंगे। तो हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो एक पैटर्न बना के पढ़ रहे हैं कि चीज़ें आपको इजीली क्लियर हो जाए। क्लियर? तो अरब सागर वाली जो नदियाँ हैं उनका कुल परसेंट कितना है, यहाँ पर टोटल है 17%। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है? तो ऑप्शन में यहां पर दिया गया है जवाई बांध, या फिर जसवंत सागर बांध, या फिर बकाली बांध, या फिर हेमावास बांध। तो ये चार बांध दिए गए हैं, इसमें मारवाड़ का अमृत सरोवर किसको बोला जाता है? अब हमने लूनी नदी पढ़ी थी, लूनी नदी पर कुछ डैम प्रोजेक्ट हैं, वो कौन कौन से हैं? जसवंत सागर है, जसवंत सागर यहाँ पर लिखे हुए हैं, देन बकाली डैम है, हेमावास डैम है और जवाई डैम है। किस किस रिवर पर है? जो ये जवाई डैम है ये किस पर है? जवाई नदी पर ही है, जवाई नदी पर। और जो जसवंत सागर है वो कहाँ पर है? जोधपुर में है, जोधपुर। देन बात करें बकाली डैम की, बकाली डैम सूकड़ी रिवर पर है, सूकड़ी नदी कहाँ पर? ये जालौर में है, जालौर। और जो हेमावास है वो कहाँ पर है? बांडी नदी पर, बांडी नदी कहाँ पर? पाली में। तो मारवाड़ का अमृत सरोवर बोला जाता है वो किसको बोला जाता है? जवाई डैम को। तो ऑप्शन ए इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। बात करें जवाई डैम की, कहाँ पर है जवाई डैम? ये कहाँ पर है? पाली में है, पाली के सुमेरपुर में। और ये सप्लाई किसको करता है पानी? पानी की सप्लाई करता है पाली एरिया को, जोधपुर एरिया को, जालौर को और सिरोही को, इन चारों जिलों को ये पानी की सप्लाई करता है। इसको क्या बोला जाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर बोला जाता है, मारवाड़ का अमृत सरोवर। क्लियर? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासियों का महाकुंभ किन तीन नदियों के संगम पर लगता है? जैसा कि हमने पहले भी बता दिया है कि तीन नदियां हैं, कौन कौन सी? जो माही नदी है अरब सागर वाली ब्रांच की, इसकी सहायक नदी है एक सोम नदी है, और एक कौन सी नदी है? जाखम नदी है। तो ये तीनों रिवर मिलकर क्या बनाती हैं? त्रिवेणी संगम बनाती हैं। अब त्रिवेणी संगम कहाँ बनाती हैं ये भी हमने बता दिया है कि त्रिवेणी संगम बनाया जाता है इनके द्वारा, कहाँ पर? बनेश्वर धाम में, बनेश्वर धाम में। तो ये जगह भी आपको याद रखना है। और इसको क्या बोला जाता है? आदिवासियों का महाकुंभ। और इसमें जो सबसे ज़्यादा भाग लेती है वो कौन सी जनजाति लेती है? भील जनजाति भाग लेती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर माही, लूनी, साबरमती नहीं है, माही, सोम, जाखम, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र में कौन सी नदी शामिल नहीं है? जैसा कि हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था ये कि तीन पार्ट में डिवाइड है राजस्थान का अपवाह तंत्र, अरब सागर, इनलैंड ड्रेनेज एंड बंगाल की खाड़ी। अरब सागर में चार नदी, लूनी, माही, पश्चिमी बनास, साबरमती। अब आते हैं हम इनलैंड ड्रेनेज पर। तो यहाँ पर किससे संबंधित क्वेश्चन है? जो राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित क्वेश्चन है कि कौन सी नदी शामिल नहीं है, नहीं पूछा है। तो यहाँ पर देख लेते आंतरिक अपवाह तंत्र में कौन कौन सी नदी आती हैं। घग्गर नदी आती है, तो वन बाय वन हम इनको देखेंगे क्वेश्चन की हेल्प से। घग्गर नदी, फिर यहाँ पर कांतली या कातली नदी भी इसको बोला जाता है, कांतली नदी। देन हम देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पर साबी नदी से संबंधित,
साबी नदी। देन यहाँ पर बैनगंगा से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, बैनगंगा नदी, बैनगंगा नदी। देन इसके बाद हम देखेंगे कौन सी नदी, यहाँ पर रूप रेल या रूपा रेल बोल सकते हैं इसको, रूपा रेल नदी। एंड लास्ट में हम देखेंगे काकने नदी। तो ये छह नदी हम किस में पढ़ेंगे, ये छह नदियां हम आंतरिक अपवाह तंत्र में पढ़ने वाले हैं। तो वन बाय वन हम यहाँ पर इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। बैनगंगा नदी, ये जो नदी है ये इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, पहले 2012 से पहले ये क्या है, जो आंतरिक अपवाह तंत्र है उसमें नहीं आती थी, लेकिन 2012 के बाद इसको भी आंतरिक अपवाह तंत्र में पढ़ा जाता है। तो इसमें घग्गर, कांतली, साबी, बैनगंगा, रूपारेल और काकने, इन छह नदियों के बारे में देखेंगे। तो जो चंबल नदी है वो इसमें नहीं आती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर घग्गर नदी से ही संबंधित है कि घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो घग्गर नदी के बारे में बात की जाए तो ये हिमाचल प्रदेश के जो शिवालिक रेंज है वहां पर कालका की पहाड़ियों से इसका ओरिजिन पॉइंट है, मतलब वहां से ये निकलती है। तो यहाँ पर क्या है, ये हिमाचल प्रदेश है और यहाँ पर क्या है, शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। शिवालिक की पहाड़ियों में कालका रेंज है, वहाँ से ये नदी फ्लो करती है, तो एंट्री लेती है और श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में ये फ्लो करती है, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। अब अनूपगढ़ नया जिला बनाया है तो अनूपगढ़ से भी ये निकलेगी, तो यहाँ पर हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर से ये फ्लो करती है। कौन सी नदी, गग्गर नदी। तो इसका ओरिजिन पॉइंट क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में शिवालिक रेंज की कहलगढ़ पहाड़ियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बहने वाली एकमात्र नदी जो हिमालय पर्वत से निकलती है, अभी हमने देखा है। तो ये जो हिमालय पर्वत है उसकी जो शिवालिक रेंज है, शिवालिक रेंज की कालका पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, कालका पहाड़ी से निकलती है हमारी घग्गर नदी। तो घग्गर नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो घग्गर नदी के बारे में कुछ और यहाँ पर पॉइंट देख लेते हैं, इसके अदर नेम देख लेते हैं। अदर नेम में इसको सरस्वती भी बोला जाता है, इसका अगर पुराना नाम देखे तो सरस्वती नदी, या इसको मृत रिवर भी बोला जाता है, मृत नदी, डेड रिवर बोला जाता है, या इसको नट रिवर भी बोला जाता है, नट रिवर या सोटा रिवर। तो ये इसके क्या है, अदर नेम है किसके, घग्गर नदी के। और अगर इसका एग्जिट पॉइंट देखा जाए, अब जब इनलैंड रिवर है तो एग्जिट पॉइंट ना तो अरेबियन सी होगा ना बे ऑफ बंगाल होगा, तो फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में है, वहां पर जाकर ये क्या है, इसका जो एग्जिट पॉइंट है वो क्या है, फोर्ट अब्बास है। क्लियर। घग्गर रिवर के बारे में एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि ये भारत की एकमात्र, मतलब भारत की सबसे बड़ी, अगर इनलैंड रिवर पूछा जाए, इनलैंड ड्रेनेज रिवर पूछा जाए, तो वो कौन सी रिवर है, वो घग्गर रिवर ही आएगी। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या है, जो हिमालय पर्वत से निकलती है राजस्थान में बहने वाली एकमात्र नदी, वो घग्गर नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांतली नदी के बारे में कि कांतली नदी का उद्गम स्थल है। तो यहाँ पर उद्गम स्थल कांतली का कहाँ से है, वो खंडेला की पहाड़ी या सीकर से है। तो ये जो कांतली नदी है उसका उद्गम स्थल है। तो जितने भी उद्गम स्थल हैं और जो एग्जिट पॉइंट है वो हम इस वीडियो के एंड में आपको अच्छे से याद करा देंगे, तो आपको आप यहाँ पर जो भी चीजें हैं वो भूलेंगे नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। अभी हमने देखो इसका ओरिजिन पॉइंट देखा था कि कांतली नदी कहाँ, खंडेला की पहाड़ी या सीकर से,
जो सीकर जिला है यहाँ पर, यहाँ से निकलती है, तो सीकर जिले से निकलती है और कहाँ फ्लो करती है इसका, अगर कैचमेंट एरिया की बात की जाए तो सीकर और झुंझुनू में इसका कैचमेंट एरिया माना जाता है। तो सीकर और झुंझुनू, सीकर और झुंझुनू, तो इस एरिया को क्या बोला जाता है, इस एरिया को बोला जाता है तोरावाटी रीजन, तोरावाटी या तोरावाटी रीजन। अगर इसमें हम ऐड कर दें चूरू को भी, अगर हमने ये चूरू को भी इसमें ऐड किया तो इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है, शेखावाटी रीजन, शेखावाटी रीजन। तो यहाँ पर जो शेखावत लोग हैं वो ज्यादा पाए जाते हैं। तोरावाटी रीजन सीकर और झुंझुनू को, और इसमें ऐड किया चूरू को, तो वो बन जाता है शेखावाटी रीजन। तो ये भी ध्यान रखना है। निकलती कहाँ से है, खंडेला की पहाड़ियाँ, सीकर से। देन इसका कैचमेंट एरिया कहाँ पर है, इसका कैचमेंट एरिया सीकर और झुंझुनू में है। क्लियर? तो कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को अभी हमने देखा तोरावाटी रीजन बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीहड़। ये चंबल वाले क्षेत्र को बोला जाता है, चंबल नदी वाले क्षेत्र को, जो इसका अपवाह क्षेत्र है। 56 का मैदान, हमने माही नदी को देखा था कि 56 गांव में फ्लो करती है, जो हमने एरिया देखा था वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला क्षेत्र, तो उनके 56 गांव में फ्लो करती है माही नदी, और जो कांतली नदी है वो फ्लो करती है तोरावाटी रीजन में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबी नदी का उद्गम स्थल है, कि साबी नदी का ओरिजिन पॉइंट क्या है, साबी नदी कहाँ से निकलती है। तो ऑप्शन है आपके हिमाचल प्रदेश में शिवालिक रेंज, या फिर खंडेला की पहाड़ियां, सीकर, जयपुर जिले में सेवर पहाड़ियां, या जयपुर जिले में बैराट की पहाड़ियों से। तो साबी नदी का ओरिजिन पॉइंट देखते हैं, तो ये निकलती है यहाँ पर जयपुर है, तो जयपुर में जो सेवर की पहाड़ियां हैं ये किसका ओरिजिन पॉइंट है, साबी नदी का। तो सह से साबी और सह से सेवर की पहाड़ी, तो ये किस रिवर का ओरिजिन पॉइंट है, ये है साबी रिवर का। तो यहाँ से ये फ्लो ओरिजिन होता है, फिर यहाँ से ये फ्लो करते हुए निकल जाती है कहाँ, हरियाणा की तरफ, तो ये हरियाणा में जाके क्या है, फिर ये रिवर मिल जाती है। तो इसका ओरिजिन पॉइंट है, कैचमेंट एरिया की बात की जाए तो जयपुर से फ्लो कर रही है जयपुर, एंड ये अलवर वाला क्षेत्र है ये, और ये नए जिले हैं तो ये भी ऐड होंगे इसके कैचमेंट एरिया में। तो जयपुर अलवर से होते हुए ये किधर चली जाती है, राजस्थान के प्लेन में चली जाती है, गुड़गांव प्लेन में जाकर ये समाहित हो जाती है। तो ये ओनली रिवर है जो राजस्थान से होते हुए फिर कहाँ चली जाती है, हरियाणा प्लेन्स में चली जाती है। क्लियर? तो ये था असाबी नदी के बारे में। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, जयपुर जिले में सेवर की पहाड़ियों से इसका क्या होता है, ओरिजिन होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन है बैनगंगा नदी से रिलेटेड। तो बैनगंगा नदी 2012 के बाद किस में आई है, जो इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम में है राजस्थान का, उसमें 2012 में ये इनलैंड रिवर्स की कैटेगरी में आई है। तो इसका ओरिजिन पॉइंट पूछा है, कि बेनगंगा रिवर का ओरिजिन पॉइंट क्या है। तो इसका ओरिजिन पॉइंट क्या है, जयपुर जिले में बैराट की पहाड़ियों से ये रिवर निकलती है, जैसा कि हमने देखा हिमाचल से घग्गर रिवर, एंड घग्गर और खंडेला की पहाड़ियों से, फिर घग्गर के बाद हमने यहाँ पर कांतली रिवर देखी थी, कांतली, देन जयपुर की अभी हमने साबी नदी देखी है, एंड बैनगंगा नदी कहाँ से, जो बैराट की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से बैनगंगा नदी निकलती है। तो इसका ओरिजिन जयपुर से ही है, जयपुर में, लेकिन पहाड़ियाँ अलग हैं, साबी सेवर की पहाड़ियों से, और जो बैराट हिल हैं, बैराट की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से कौन सी नदी निकलती है, वहाँ से निकलती है बैनगंगा नदी। तो ये इसका ओरिजिन पॉइंट है। कैचमेंट एरिया की बात की जाए तो इसका कैचमेंट एरिया है जयपुर वाला एरिया, दौसा वाला एरिया, एंड भरतपुर वाला एरिया। तो ये इसका क्या हो जाता है, कैचमेंट एरिया हो जाता है, कौन सी नदी का, बैनगंगा नदी का। इसके अदर नेम है बैनगंगा नदी का, इसको क्या है,
गंगा ऑफ अर्जुन भी बोला जाता है, नाम याद रखना है, गंगा ऑफ अर्जुन एंड ताला रिवर भी इसको बोला जाता है, ताला रिवर। तो इसको क्या है, बी हेडेड नदी बोला जाता है। बी हेडेड नदी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये चंबल जो रिवर है उसमें मिलने से पहले ही ये क्या होती है, बैनगंगा नदी समाहित हो जाती है। तो ये था बैनगंगा नदी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपरेल नदी से रिलेटेड, कि रूपरेल नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। तो ऑप्शन है इसमें, इसमें पांच ऑप्शन दिए गए हैं, ये इसका रीजन भी बताएंगे कि इसमें पांच ऑप्शन क्यों दिए गए हैं। तो इसका ओरिजिन पॉइंट अलवर जिले में उदयनाथ की पहाड़ियों से रूपरेल नदी निकलती है। तो इसका क्या है, ओरिजिन पॉइंट है। मैप में देख लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर ये कहाँ से निकलती है, अलवर जिले से, ये अलवर है, यहाँ से ये निकलती है रूपरेल की पहाड़ियों से, उदयनाथ की पहाड़ियों से रूपरेल नदी उद्गम स्थान है। नेक्स्ट है काकने नदी का उद्गम स्थल, तो ये निकलती है कोटारी गांव जैसलमेर से। तो याद रखना है कि कहाँ है ये, कहाँ से निकलती है, इसका ओरिजिन पॉइंट जैसलमेर में है, जैसलमेर। मैप में देख लेते हैं, ये जैसलमेर में है, यहाँ पर क्या है, ये कांकने नदी फ्लो करती है। कौन सी नदी, कांकने नदी। तो इसका एक दूसरा नाम है, काकनी भी बोलते हैं इसको, काकनी नदी या कांकने नदी। तो कहाँ से, कोटारी गांव से। और बूझ जो झील है वो यहीं पर है, बूझ झील, काकने नदी से रिलेटेड आएगा। बूझ झील से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बूझ झील कहाँ पर है। तो ये कैसी झील है, मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील। कौन सी नदी पर, काकने नदी पर। और काकने नदी कहाँ पर है, काकने नदी है जैसलमेर में। तो ये था किसके बारे में, काकने नदी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की बूझ झील किस नदी पर स्थित है। तो अभी हमने देखा है, तो किस पर स्थित है, काकने नदी पर। अब यहाँ तक हमने क्या है, इनलैंड, जो इनलैंड ड्रेनेज था राजस्थान का उसके बारे में देखा, इनलैंड ड्रेनेज। तो यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं कि इसमें हमने कौन कौन सी नदियाँ पढ़ी हैं। तो यहाँ पर जो घग्गर रिवर थी, घग्गर, तो उसमें उसका ओरिजिन पॉइंट कहाँ था, हिमाचल प्रदेश में शिवालिक रेंज की कालका पहाड़ियाँ। देन फिर घग्गर के बाद हमने कौन सी नदी देखी, यहाँ पर देखी कातली या कांतली रिवर देखी, कांतली नदी। देन इसके बाद फिर साबी नदी, सेवर पहाड़ियाँ जयपुर से, और कांतली सीकर जिले में खंडेला की पहाड़ियों से। देन फिर इसके बाद हमने साबी नदी के बाद देखी नेक्स्ट रिवर बैनगंगा रिवर। तो बैनगंगा ये कहाँ से, बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर जिले से निकली। देन इसके बाद हमने फिफ्थ रिवर देखी, यहाँ पर रूपा रेल नदी। तो ये कहाँ, अलवर जिले में उदयनाथ की पहाड़ियों से। और नेक्स्ट लास्ट वन देखी हमने काकने नदी, ये कहाँ पर, कोटारी गांव जैसलमेर में। तो ये सारी रिवर कौन सी थी, इनलैंड ड्रेनेज रिवर सिस्टम का ये पार्ट हैं, घग्गर, कांतली, साबी, बैनगंगा, रूपारेल और काकने। तो ये छह रिवर हमने इसमें पढ़ी हैं। अब तक हमने क्या क्या क्लियर कर लिया है, अब तक हमने अरेबियन सी वाली ब्रांच देखी, जो अरब सागर वाली ब्रांच थी, उसमें चार नदियां पढ़ी हमने। सबसे पहले लूनी पढ़ी थी, देन इसके बाद हमने फिर माही नदी देखी थी, फिर पश्चिमी बनास देखा था, पश्चिमी बनास। ये बार बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि रिवीजन हो जाए। और फिर हमने साबरमती रिवर देखी थी, चार रिवर हमने अरेबियन सी वाली ब्रांच में और छह इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम वाले पार्ट में देखी हैं। तो टोटल हमने 10 नदी से जितने भी क्वेश्चन थे, टोटल यहाँ पर अब तक हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच वाले क्वेश्चंस पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, राजस्थान के बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र में कौन सी नदी शामिल नहीं है। तो अब हम बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र देखेंगे, तो इसमें कौन सी नदी नहीं है, घग्गर, चंबल, बनास या बेडच। तो इसमें कौन सी नहीं है, घग्गर। ये किस में आती है, ये इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम में आती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा,
बात करें बंगाल की खाड़ी या अपवाह तंत्र की, तो इसमें हम कौन सी नदी पढ़ेंगे? चंबल नदी पढ़ेंगे। चंबल के बाद फिर हम इसमें बनास नदी पढ़ेंगे। बनास के बाद हम बेडच नदी पढ़ेंगे, बेडच नदी, और फिर हम पढ़ेंगे गंभीर नदी। तो ये चार रिवर हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन कि बंगाल खाड़ी में कौन सी नदी नहीं आती है? घग्गर रिवर नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबल रिवर से रिलेटेड कि चंबल रिवर का ओरिजिन पॉइंट क्या है, मतलब कहाँ से ये निकलती है। तो चंबल रिवर निकलती है जानापाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से, ये इसका ओरिजिन पॉइंट है। और डिस्चार्ज किस में होती है? ये डिस्चार्ज हो जाती है यमुना नदी में। और कहाँ पर? यमुना नदी में ये मिलती है इटावा यूपी में। इटावा यूपी में चंबल रिवर यमुना से मिल जाती है। तो ओरिजिन पॉइंट क्लियर और इसका डिस्चार्ज पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। कैचमेंट एरिया की बात करें चंबल रिवर का, तो कैचमेंट एरिया कहाँ कहाँ है? जो चित्तौड़गढ़ वाला एरिया है, चित्तौड़गढ़, देन कोटा बूंदी, कोटा बूंदी, करौली, भरतपुर और सवाई माधोपुर से होते हुए रिवर कहाँ चली जाती है? फिर एंट्री ले जाती है ये उत्तर प्रदेश में सवाई माधोपुर, और उत्तर प्रदेश में इटावा में जाके मिल जाती है। कहाँ पर? यमुना रिवर से। तो ओरिजिन पॉइंट मध्य प्रदेश है, फिर फ्लो करती है ये राजस्थान में, फिर चली जाती है उत्तर प्रदेश में, वहां मिल जाती है यमुना से। तो याद रखना जानापाव की पहाड़ी है मध्य प्रदेश, इसका ओरिजिन पॉइंट है। नेक्स्ट रिवर है निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है? तो चंबल की अगर सहायक नदी देखी जाए तो यहाँ पर हम देख लेते हैं वन बाय वन। इसमें गुंजाली आएगा, गुंजाली, देन हम इसमें माझी भी पढ़ेंगे, माझी रिवर, पार्वती भी पढ़ेंगे, देन नेवाज भी देखेंगे इसमें, आहू रिवर भी देखेंगे, काली सिंध भी देखेंगे, काली सिंध, घोड़ा पछाड़ भी देखेंगे, घोड़ा पछाड़ रिवर, घोड़ा पछाड़, इसमें परवान रिवर भी पढ़ेंगे, परवान रिवर, देन इसमें आती है ब्राह्मणी रिवर भी। देखिए जो ये चंबल रिवर है इम्पोर्टेंट रिवर है, और बनास भी इसी की क्या है, सहायक नदी है, एंड इसमें कूनू, कराल, सीप, तो ये रिवर हम यहाँ पर इसमें देखने वाले हैं। ये किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदियाँ हैं। तो नहीं पूछा है तो इसमें बनास भी आती है, काली सिंध भी आती है, पार्वती भी आती है, लूनी इसकी सहायक नदी नहीं है। तो इसका डी पॉइंट मतलब ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चंबल की अगर सहायक नदियों में भी देखा जाए तो सबसे बड़ी आती है इसमें बनास नदी। बनास इसकी क्या है, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल रिवर। तो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी क्या है, वो है बनास रिवर। क्लियर। अगर पूछा जाए कि राइट साइड से कौन सी है, राइट साइड से ये राइट साइड से सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी, अगर ओवरऑल पूछा जाए तो बना, और राइट साइड से पूछा जाए तो काली सिंध। क्लियर। तो ये दोनों के नाम याद रखने हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबल नदी यमुना नदी से किस जगह जाकर मिलती है? जैसा कि हमने बताया कि इटावा उत्तर प्रदेश में जाकर ये किस में मिल जाती है, यमुना रिवर में ये मिल जाती है। तो करेक्ट आंसर इसका इटावा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामेश्वरम घाट तीन नदियों के संगम पर अवस्थित है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी इसके संगम पर अवस्थित नहीं है? अगर ये देखा जाए तो कौन सा घाट यहाँ पर, रामेश्वरम घाट की, जैसे हमने त्रिवेणी संगम पढ़ा था, त्रिवेणी संगम किन किन रिवर का था, कहाँ पर, ये हमने पढ़ा था अभी पीछे। एक रिवर थी आपकी माही, और एक थी सोम, और एक थी जाखम रिवर, जहाँ पर क्या है आदिवासियों का क्या लगता है, कुंभ लगता है। तो इस तरह से रामेश्वरम घाट पर भी क्या है, तीनों नदियाँ मिलती हैं। तो इन तीनों नदियों में से कौन सी नहीं है?
चंबल, बनास, सीप और माही, तो इसमें माही नदी नहीं है। तो जो चंबल, बनास और सीप ये कहाँ है, रामेश्वरम घाट पर तीनों नदियाँ मिलती हैं और इसका संगम बनाती हैं, चंबल, बनास और सीप नदी, तो ये तीनों नदियाँ याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैसोड़गढ़ या चित्तौड़गढ़ में स्थित चुलिया झरना, चुलिया वाटरफॉल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि किस नदी पर ये स्थित है। अगर चुलिया वाटरफॉल की बात की जाए तो ये क्या है, राजस्थान का क्या है हाईएस्ट वाटरफॉल है, नाम याद रखना है चुलिया वाटरफॉल। और अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत का सबसे हाईएस्ट पर कौन सा वाटरफॉल है, तो आपको याद रखना है कुंचिकल वाटरफॉल। कुंचिकल कहाँ पर है ये कुंचिकल वाटरफॉल, ये वाटरफॉल है कर्नाटका में, तो ये याद रखना है कुंचिकल वाटरफॉल कहाँ, कर्नाटक में। तो इसकी हाइट कितनी है, 455 मीटर है, और अगर चुलिया की बात की जाए तो चुलिया की कितनी है, 18 मीटर हाइट है। देन अब क्वेश्चन है कि चुलिया वाटरफॉल किस नदी पर है, तो किस नदी पर है, चंबल नदी पर स्थित है, कौन सी जगह, चित्तौड़गढ़ में, भैंसोड़गढ़ में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल द्वारा बनाए गए बीहड़ राजस्थान के किस जिले में है, तो बीहड़ से संबंधित क्वेश्चन है कि बीहड़ राजस्थान के किस जिले में है, तो ऑप्शन है करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर या फिर सभी जिलों में। जैसा कि हमने बताया था, नर्मदा नदी बहती है एमपी से, फिर राजस्थान में एंट्री करती है, और राजस्थान में एंट्री करने के बाद कौन कौन से एरिया से ये निकलती है, इस मीन्स इसका कैचमेंट एरिया हमने बताया चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर, तो ये बताए थे। तो इसी में ही फिर क्या है, यहाँ बीहड़ बनाते हैं, जो यूपी से बाउंड्री लगाते हैं जिले, वहाँ पर ये क्या है, बीहड़ बनाते हैं चंबल नदी, तो इसमें क्या है, सभी में ये क्या है, बीहड़ बनाती है, चाहे वो करौली हो, सवाई माधोपुर हो या फिर धौलपुर हो, सारी जगह क्या बनाती है ये नदी, बीहड़ बनाती है। बीहड़ को क्या है, डैंग भी बोला जाता है, या डैंग भी बोल सकते हो इसको, डैंग एरिया, ठीक है, रेवाइंस बोलते हैं। तो किस वजह से, इरोजन की वजह से बीहड़ बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास नदी का उद्गम स्थल है, तो यहाँ बनास नदी से संबंधित क्वेश्चन है कि बनास नदी का ओरिजिन पॉइंट क्या है, तो यहाँ पर जानापाव की पहाड़ी, जैसा कि अभी हमने देखा है किसका है, चंबल रिवर, चंबल जो नदी है, जानापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से इसका ओरिजिन होता है। लेकिन बनास नदी ये खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चंबल नदी और इसका डिस्चार्ज कहाँ होता है, इसका डिस्चार्ज होता है जैसा कि हमने पढ़ा था कि रामेश्वरम घाट है, रामेश्वरम घाट, इसके बारे में हमने पढ़ा था, कहाँ है ये, सवाई माधोपुर में है, सवाई माधोपुर, तो वहां पर ये किससे मिल जाती है, ये नदी मिल जाती है बनास नदी चंबल नदी से। क्लियर। तो रामेश्वरम घाट में ये बनास नदी मिल जाती है चंबल नदी से, तो ये इसका क्या है, एग्जिट पॉइंट है, या आप इसको माउथ बोल सकते हैं या फिर डिस्चार्ज पॉइंट बोल सकते हो, डिस्चार्ज पॉइंट। क्लियर। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90th क्वेश्चन, यहाँ पर आज का ये 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है, यहाँ पर बनास की जो सहायक नदी है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो बनास की सहायक नदी यहाँ पर बता देते हैं, तो उसकी सहायक नदी है कालीसिल, देन यहाँ पर मानसी इसकी सहायक नदी है, और मैनल इसकी सहायक नदी है, एंड बांडी इसकी सहायक नदी है, कंफ्यूज मत होना, एक बांडी क्या है, लूनी की भी बांडी है, ठीक है, जो लूनी नदी पढ़ी थी हमने, जो कि सबसे प्रदूषित नदी थी, मोरेल नदी है या फिर
आहड़ नदी है जिसको बेडच भी बोला जाता है, बेडच, ठीक है। और इसमें आप कोठारी रिवर को भी देखोगे, कोठारी भी बांध एंड खारी रिवर को देखोगे। तो कालीसिल, मानसी, मैनाल, बांडी, मोरेल, आहाड़, कोठारी एंड खारी, ये क्या है, ये सभी क्या है, इसकी सहायक नदी है। किसकी? बनास की। तो खारी इसकी सहायक नदी है, बिल्कुल है। बेडच बिल्कुल है इसकी सहायक नदी, ये आहाड़ भी बोला जाता है। कोठारी वो भी इसकी सहायक नदी है, कोठारी। देन जोजड़ी जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है, वो लूनी की सहायक नदी है, जो कि किधर, दाई तरफ से मिलती थी लूनी नदी में। क्लियर? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91st क्वेश्चन। यहाँ पर राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो ऑप्शन है माही, घग्गर या चंबल या फिर बनास। तो अगर बात, हमने अब तक एक प्रदूषित रिवर पर एक क्वेश्चन पहले भी पूछा है, क्या पूछा था कि लूनी की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी थी, तो वहां पर हमने बांडी पढ़ा था। बांडी में हमने देखा था कि पाली जो जगह है, पाली, वहां पर इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज का पानी कहाँ है, बांडी नदी में मिल जाता है, इस वजह से ये क्या है, प्रदूषित हो जाती थी। तो लेकिन अगर पूरे राजस्थान की बात की जाए कि राजस्थान में सबसे प्रदूषित पोल्यूटेड नदी कौन सी है, तो वो आ जाएगा बनास नदी। तो बनास नदी क्या है, राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी है। क्लियर? अगर सवाल आ जाए राजस्थान की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, तो आपको बताना है चंबल रिवर, चंबल नदी। क्लियर? अगर सिर्फ ये पूछा जाए कि राजस्थान में, सिर्फ सिर्फ राजस्थान में ही जो नदी फ्लो करती है वो कौन सी सबसे बड़ी नदी है, तो वहां पर फिर आपको बनास देना है। सवाल ध्यान से पढ़ना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर राजस्थान की सबसे बड़ी नदी पूछा जाए तो चंबल, सिर्फ राजस्थान में फ्लो होने वाली नदी, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो बताना है आपको बनास नदी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए क्वेश्चन पूछ लिया है, तो ये आ जाएगा चंबल नदी। अगर सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में ही जो बहती है, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में बहती है, तो वो आएगा फिर बनास। ये बनास नदी क्या है, सिर्फ राजस्थान में ही फ्लो करती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है महान सीमा भ्रंश, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट किन नदियों के मध्य स्थित है। यहाँ पर ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट से रिलेटेड सवाल पूछा है कि किन दो नदियों के बीच में ये स्थित है। ऑप्शन है चंबल और बनास, या फिर चंबल और काली सिंध, गंभीर और बाणगंगा, और मेज और कोठारी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर है चंबल और बनास नदी। तो महान सीमा भ्रंश किन दो नदियों के बीच में स्थित है, चंबल और बनास। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेडच नदी, बेडच नदी का उद्गम स्थल पूछा गया है कि बेडच नदी का उद्गम स्थल है। तो यहाँ पर ऑप्शन में जानापा पहाड़ी मध्य प्रदेश से, या खमनौर पहाड़ी राजसमंद से, या फिर गोगुंडा हिल्स उदयपुर से। जैसा कि हमने देखा चंबल नदी जानापाव की पहाड़ी से निकलती है, देन इसके बाद चंबल के बाद फिर हमने कौन सी नदी देखी है, बनास नदी। बनास नदी कहाँ से, खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से। एंड बेडच नदी की बात की जाए तो बेडच नदी निकलती है गोगुंडा पहाड़ी उदयपुर से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये किससे मिल जाती है फिर, ये मिल जाती है बनास रिवर से। बेडच नदी किससे मिलती है, बनास नदी से मिल जाती है, मीन्स ये बनास की सहायक नदी है। और ये पूछ लिया जाए कि कहाँ मिलती है, तो ये मिलती है भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में जाकर मिलती है। इसका बेडच का कैचमेंट एरिया कौन सा है, जो राजस्थान का ये दक्षिणी भाग है, यहाँ पर उदयपुर हो गया,
चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा ये वाले क्षेत्र में इसका कैचमेंट एरिया है। और भीलवाड़ा में जाकर ये फिर किससे मिल जाती है, बनास नदी से मिल जाती है। क्लियर, ये था पेडज नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बहने वाली नदियों का लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम है। देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आरोही और अवरोही में, अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ जाना, इसको बोलते हैं अवरोही। और आरोही होता है अगर आप छोटे से बड़े की तरफ जाते हो, तो ये होता है आपका क्या, आरोही क्रम। और अवरोही बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर अवरोही क्रम पूछा है। किसके अनुसार, राजस्थान में बहने वाली नदियों का लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम है, तो ऑप्शन ए रखे आपके सामने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो लंबाई में देखा जाए तो चंबल नदी की बात करें, चंबल नदी की लेंथ कितनी है, 1051 किलोमीटर है। बात करें माही नदी की, माही नदी की लंबाई 576 किलोमीटर है। एंड बनास की बात की जाए तो बनास नदी की लंबाई कितनी है, 512 किलोमीटर है। एंड लूनी नदी की बात की जाए तो लूनी नदी की लंबाई है 495 किलोमीटर। तो आपको अवरोही क्रम में लगाना है। अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि ड्रेनेज एरिया के अकॉर्डिंग लगाइए, तो ये क्या है, राजस्थान में किसकी लंबाई के अनुसार, अगर ड्रेनेज एरिया के हिसाब से आता तो ये क्वेश्चन बदल जाता पूरा। राजस्थान में ड्रेनेज एरिया किसका ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा बनास बहती है, ठीक है, उसके बाद फिर लूनी है, उसके बाद चंबल है, मतलब 1 पे बनास, 2 पे लूनी, 3 पे चंबल और 4 पे माही आता। लेकिन यह सिर्फ लंबाई की बात की गई है, तो लंबाई में नंबर 1 रखी जाएगी चंबल, तो चंबल अगर सबसे पहले है, फिर माही, फिर बनास, फिर लूनी। तो करेक्ट आंसर लंबाई के अनुसार ये रहा। अगर आता क्वेश्चन किसके अनुसार, ड्रेनेज एरिया, आप वहाँ तंत्र के अनुसार आता कि किसका कैचमेंट एरिया ज़्यादा है, तो ये बनास, लूनी, चंबल और माही इसका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तो गणेश्वर सभ्यता से क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं जोजड़ी, लूनी, साबी और कंताली। तो जोजड़ी की बात की जाए तो ये किसकी सहायक नदी थी, लूनी की सहायक नदी थी। साबी ये अभी हमने देखा है, कौन से रिवर्स में देखा है साबी नदी को, हमने पढ़ा था ये इनलैंड रिवर्स में। और कांतली को भी किस में देखा था, हमने इनलैंड रिवर में पढ़ा था। और लूनी और जोजड़ी को किस में पढ़ा है हमने, ये पढ़ा है हमने अरेबियन सी वाली ब्रांच में, ठीक है। लेकिन सवाल यहाँ पर किससे रिलेटेड है, सवाल है आपका गणेश्वर सभ्यता से कि गणेश्वर सभ्यता कहाँ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांतली रिवर। जैसा कि हमने बताया था आपको, तोरावाटी रीजन बताया था, तोरावाटी क्षेत्र कौन सा एरिया था, जिसमें हमने आपको बताया सीकर और झुंझुनू, सीकर और झुंझुनू। और शेखावाटी रीजन बताया था, इसमें प्लस कर देना चूरू को, तो वो हो जाएगा आपका शेखावाटी रीजन। क्लियर, तो गणेश्वर सभ्यता ये कहाँ, नीम का थाना जगह है, अब तो रिसेंट में इसको एक जिला बना दिया गया है, तो नीम का थाना में ये क्या है, गणेश्वर सभ्यता है। इसी से रिलेटेड एक सुनारी सिविलाइजेशन है, सुनारी सभ्यता, अगर वो भी पूछा जाए कि वो भी कहाँ है, वो भी कांतली रिवर के किनारे है, और कौन सी जगह पर, खेतड़ी। क्लियर, तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का बांकली बांध किस नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन है बांडी, जवाई, सुकड़ी, लूनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बांकली जो बांध है वो किस नदी पर है, सुकड़ी नदी पर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी बेसिन को किस नाम से जाना जाता है,
तो यहाँ पर लूनी बेसिन से रिलेटेड सवाल है। अगर बात करें शेखावटी क्षेत्र में कौन सा एरिया आता है? चूरू, सीकर, झुंझुनू, ठीक है। और गोंडवाना क्षेत्र ये कौन सा है? जैसा कि आपने पढ़ा होगा भारत के बारे में कि ये गोंडवाना क्षेत्र है। 56 क्षेत्र ये माही नदी से संबंधित है कि 56 गांव में बहती है। और ये जो लूनी बेसिन को किस नाम से जाना जाता है? गोडवार क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? तो मेजा बांध लूनी, कोठारी, खारी या चंबल? तो मेजा बांध है कोठारी नदी पर स्थित है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की नदियों पर स्थित जलप्रपातों में से कौन से सुमेलित हैं? तो यहाँ पर चूलिया बांध जो कि चंबल चित्तौड़गढ़ में है, भीमताल मांगली नदी पर जो कि बूंदी में है, मैनाल नदी पर मैनाल बांध है भीलवाड़ा में, तो इसमें से कौन सुमेलित हैं? तो चूलिया ये चंबल नदी पर है, और भीमताल मांगली नदी पर, और मैनाल, तीनों ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3। तो जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि सारी नदियां, उनके उद्गम क्षेत्र और अंतिम स्थल आपको इस वीडियो के एंड में पढ़ा दिए जाएंगे। तो ये जो रेड कलर में है चारों नदी, ये अरेबियन सी वाली ब्रांच की हैं, लूनी, माही और पश्चिमी बनास एंड साबरमती। बात करें लूनी की तो अजमेर में नाग पहाड़ियां या नागा की पहाड़ियों से निकलती है और कहाँ जाके मिलती है? कच्छ के रण में, गुजरात में जाके समाहित होती है। माही एमपी के धार जिले की अमरारू पहाड़ियों से, जो कि विंध्याचल की पहाड़ियों के निकट है, मेहंद झील से। तो और फिर इसका अंतिम स्थल है गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी में। पश्चिमी बनास सिरोही जिले के नया सानवरा गांव से निकलती है और लिटिल कच्छ में जाकर मिल जाती है। साबरमती उदयपुर जिले के कोटरा तहसील में पदरा हिल से निकलती है और खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। फिर ये ग्रीन कलर में जो रिवर हैं, ये इनलैंड रिवर्स हैं। गग्गर रिवर ये शिवालिक रेंज से निकलती है कालका पहाड़ियों से, फोर्ट अब्बास इसका क्या है अंतिम स्थल है। कांतली खंडेरा की पहाड़ियां सीकर से एंड अंतिम स्थल चूरू एवं झुंझुना की सीमा पर यह समाप्त हो जाती है। साबी नदी की बात करें, सेवर की पहाड़ियाँ जो कि जयपुर में है वहाँ से निकलती है, और यमुना नदी दिल्ली में इसका अंतिम स्थल है। बैनगंगा बैराट की पहाड़ियों से निकलती है जयपुर जिले में, और ये यमुना नदी में खत्म हो जाती है, मतलब यमुना नदी से पहले ही, बेहेडेड रिवर बोलते हैं इनको। अलवर जिले में ये रूपारेल उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर जिले से निकलती हैं, और सीकरी बांध भरतपुर में ये इसका अंतिम स्थल है। काकने कोटारी गांव जैसलमेर में, जैसा कि हमने मैप में भी दिखाया था, और जैसलमेर के मीठी खाड़ी स्थान पर ही इसका अंतिम स्थल है। फिर ये ब्लू कलर में चार रिवर हैं, ये बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच की हैं, चंबल, बनास, बेडच, गंभीर। चंबल जानापा पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती हैं, यमुना नदी इटावा में ये मिल जाती हैं। देन बनास खमनौर पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है, और चंबल नदी मिल जाती है कहाँ? रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर में। देन बेडच की बात करें तो बेडच गोगुंडा पहाड़ी उदयपुर में निकलती है, और बनास नदी में ये मिल जाती है कहाँ? भीलवाड़ा जगह पर। गंभीर की बात करें तो करौली जिले में हिंडोन गांव के पास से निकलती है, और यमुना नदी में मिल जाती है कहाँ? मैनपुरी उत्तर प्रदेश में। तो दिस इज ऑल अबाउट, ये क्या है आज के लेक्चर का पूरा जिस्ट है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हो। तो आज के वीडियो में हमने टोटल 50 क्वेश्चंस देखे, 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस अपवाह तंत्र, राजस्थान के अपवाह तंत्र से संबंधित टोटल 50 प्रश्न देखे हैं। ऐसे ही और वीडियो आते रहेंगे, तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई डाउट रहा हो तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।